आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता को रिझाने का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिसे लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप से बातचीत की। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, पूरे क्षेत्र में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और केवल दिखावा में लगी हुई है। कांग्रेस के मंत्रीगण जिस तरीके से यहां पर क्षेत्र में जाना छोड़ दिए हैं और लोगों से मिलना छोड़ दिए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार दावा कर रही है विकास का, इसको आप कैसे देखते हो? मैंने पहले ही कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जिस तरीके से वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज पर डंडे बरसाने का काम हो रहा है। दो वर्ष पहले फरसगांव में धान खरीदी को लेकर के डंडे बरसाने का काम किया गया। देखिए, जो अजय चंद्राकर जी हैं, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो उनके ऊपर टिप्पणी की थी वो मंत्री के रूप में टिप्पणी की है, कोई आदिवासी समाज को नहीं किया है उन्होंने। और आज ये कहते हैं, इस टिप्पणी पर आदिवासी समाज को बीच में लाते हैं, तो हमारे ये मंत्री जी तब कहाँ थे जब सुकमा में इतना बड़ा घेराव हो रहा था? ये थे पूर्व मंत्री कश्यप, जैसा कि उन्होंने खाद को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार खाद को पर्याप्त मात्रा में दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है खाद को लेकर उसमें घोटाला और इसको रोक नहीं पा रही है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्र पटेल, MK न्यूज़, रायपुर।